नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बातचीत करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। आज हम आए हुए हैं गौसनर कॉलेज रांची और आज का हमारा विषय है ई लर्निंग वर्सेज ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। प्रौद्योगिकी प्रगति के बावजूद भी अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो लंबे अरसे तक हमारी निर्भरता पारंपरिक कक्षा शिक्षण की तरफ ही रही है, लेकिन कोविड के दौरान हमने इसे पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होते हुए देखा है। पहले भी ऑनलाइन क्लासेस हुआ करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसका चलन पूर्ण रूप से हुआ है। तो चलिए यहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से हम इस विषय पर बातचीत करते हैं, उनके विचारों को जानते हैं। लर्निंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से आप क्या समझते हैं? तो ई लर्निंग क्लासेस में, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में आप डिसिप्लिन में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं आप, मतलब जाते हैं तो डिसिप्लिन नहीं कर पाते इसमें, और आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हैं तो उसमें आप डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन में बैठते हैं, टीचर्स लोग देखते हैं आपको, फेस टू फेस अट्रैक्शन होता है और उसके हिसाब से पढ़ाई भी अच्छे हो जाते हैं। और कोई कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि कुछ भी, तो वो आप डायरेक्ट सामने से पूछ सकते हैं, ऐसे आप ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे से पूछ नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते अच्छे से। ट्रेडिशनल लर्निंग पे हम लोग अच्छे से सीख पाते हैं, हम लोग आई कांटेक्ट होता है, ह्यूमन कांटेक्ट की वजह से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, क्वेश्चंस कर पाते हैं, लेकिन ई लर्निंग में उतने कंफर्टेबल नहीं होने की वजह से हम लोग उतना अच्छे से सीख नहीं पाते। बोथ द प्लेटफॉर्म्स आर वेरी गुड फॉर गेटिंग वेरियस नॉलेजेस। इन ई लर्निंग वी गेट वेरियस एम्पल ऑफ नॉलेजेस विद फ्लेक्सिबिलिटी, वेयर एज इन ट्रेडिशनल लर्निंग वी गेट lesser amount of knowledge but in the focused way. It is better to have a focused knowledge than getting various knowledge without focus, and in traditional learning we interact to our mentors or teachers in face to face. E-learning mein bahut koi phone afford bhi nahi kar pate hain aur time bhi bahut zyada waste hota hai, aur aise traditional learning mein aap teacher ke samne rehte ho, aapko jo bhi queries rehta hai wo aap solve kar sakte ho, but ई लर्निंग में वैसा नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत कोई टीचर्स उतना मोबाइल्स में एक्टिव भी नहीं रहते हैं, तो ये सब भी बहुत प्रॉब्लम करता है। ई लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे आपको नज़र आते हैं? इसके फ़ायदे हैं, जो मतलब काफ़ी दूर में रहते हैं और जो मतलब ट्रैवल करके नहीं आ सकते, तो वो लोग अपने घर ही से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। जो आपके ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो लोग को भी उसका फ़ायदा हो रहा है, कि मतलब हम लोग कॉलेज में से ही क्लास में से हम लोग ऑनलाइन क्लास घर बैठे बैठे हम सब कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस से बहुत सारे बेनिफिट्स तो हुए हैं, क्योंकि हर एक बच्चों पर ध्यान दिया गया है, टीचर्स ने हर एक बच्चों को स्पेशली पूछा है कि कैसे आप क्लास कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, मतलब आपका डाउट्स क्या है, आपके लिए सब कुछ सही से आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ये सब कुछ पूछा गया है, सब ने अच्छे से फोकस किया है। इट इज़ सोशल इकोनॉमिक्स, वी कैन गो टू द सोशल स्किल्स गोइंग थ्रू, बिकॉज टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कैन कम्युनिकेट ईच अदर। इट्स वेरी यूजफुल, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू सम इंस्टीट्यूट एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वेयर वी हैव टू गो, दैन वी कैन यूज़ आवर टैबलेट्स or social economics things, then we can sit here and we can do anything easily. More important thing that we cannot go outside to study, we can study from our home also easily, and if I have any doubts to clarify, we can search from internet and we can use it. So it is this much advantages of e-learning. जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना काल में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमारी पढ़ाई में बहुत सारी रुकावटें आए, तो हमने बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया गया। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, हमें कॉलेज स्कूल नहीं जाना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारी पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से हो पाई। इससे वातावरण पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ा और हम घर बैठे कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। ई लर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हम यदि कोई भी
चीज़ों पर इच्छुक है तो हमें उस जगह पर नहीं जाना पड़ता है, हम घर बैठे भी वो चीज़ सीख सकते हैं। आपके लिए जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है जो हम क्लासरूम टीचिंग में देखते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं? मेरे लिए तो पहला ये कि वहाँ एक माहौल रहता है एक कॉम्पिटिटिवनेस का, और एक अलग ही ऑरा, एक वाइब आता है कि यहाँ तुम आए हो और बाकी लोग को देख रहे हो और तुम भी उनके साथ पढ़ रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं होता, तुम अकेले एक रूम में बैठे हुए हो और तुम एक काला नहरा रूम में, एक माहौल नहीं बन पाता है कि तुम पढ़ पाओगे। पर ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि तुम पढ़ रहे हो, बाकी लोग से सीख रहे हो, डाउट हो रहा है तुम टीचर से बात कर रहे हो, कभी कभी कोई टीचर से बात नहीं कर पाता है तो दोस्तों से क्लियर कर ले रहा है, कभी कभी हम लोग जानते हैं कि कभी दोस्त टीचर से अच्छा समझा पाता है। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि ये एक माहौल, एक सर्कल जो मिलता है वो सबसे बढ़िया चीज़ है ऑफलाइन क्लास में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ को लेकर ये है कि जब स्टूडेंट क्लास में टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस समय वो ज़्यादा क्लियर कर पाते हैं अपने डाउट्स को या अपने थॉट्स को ज़्यादा अच्छे से रख पाते हैं, और टीचर्स के लिए भी उतना कन्वीनियंट रहता है उनके पॉइंट्स को समझना एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास। ठीक है, प्लस आपको एक आपका वेटेज पता चलता है कि आप पूरे क्लास में कहाँ पे मतलब रिलाई कर रहे हैं, आपका स्टैंड कहाँ पे है, आप उस हिसाब से आपको पता चलता है कि आपको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है कितना नहीं ज़रूरत है। बट अगर यही बात करें ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं लैग हो जाता है, वो आपका ध्यान कहीं हट जाता है। ठीक है, अगर एक मैसेज आता है तो आपका पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, पूरा माइंड आपका वहाँ पे हो सकता है, और कॉल डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा क्लासरूम में नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है कि कंपिटिटिव सराउंडिंग्स रहते हैं, एंड इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस से ये ज़्यादा बेटर होता है, जैसे कि आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस रहता है इसमें आप इजीली बता सकते हो क्वेश्चंस, इनको पूछ सकते हो क्वेश्चंस टीचर्स से। तो ऑफलाइन क्लासेस में बेसिकली हम लोग का डाउट क्लियर जो होता है वो काफ़ी अच्छे से होता है, और अगर हम लोग यही ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं तो वो हम लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं और उतना टीचर्स भी ध्यान नहीं देते कहीं ना कहीं, और कॉलेजेस में एक फिक्स शेड्यूल होता है जो कि फॉलो किया जाता है, स्टडी एनवायरनमेंट मिलता है स्टूडेंट्स को, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है आपस में रह के, जो कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग गेन नहीं कर पाते हैं। ई लर्निंग के क्या क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं और आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल रहता है ई लर्निंग से लर्निंग, यहाँ ऑनलाइन एडुकेशन में सबसे डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा आती है और हमारे नॉलेज बेस पे भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम फिज़िकल लर्निंग करते हैं यहाँ पर टीचर्स का बोलना, उनको सामने देखना, ये सारे चीज़ अफेक्ट करते हैं हमारे लर्निंग को, और लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग हम लोग की होती है। जबकि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है ना कि माइंड अडेप्ट नहीं कर पा रहा है कि एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो क्या है और एक ऑनलाइन क्लास क्या है, जिसके कारण क्या हो रही है ना कि हम लोग रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ई लर्निंग वहाँ तक सक्षम है जब बहुत रिमोट एरियाज़ में अगर एडुकेशन पहुँचाना हो वहाँ पर वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इफ़ पॉसिबल तो फिज़िकल एडुकेशन इज़ द बेस्ट एडुकेशन आई थिंक। ई लर्निंग के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि हम डिस्टेंस कवरिंग कर सकते हैं, बट उसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी होते हैं, जैसे कि जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर वो कर भी पाते हैं तो उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैम होते हैं, जैसे कि क्लासेस ऑनलाइन, उसकी वजह से फ़ीस पे करते हैं और जो वो स्कैम में फंस जाते हैं उनकी सारी जो भी वो इनकम, जो भी वो लोन लेते हैं वो भी फंस जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि बच्चे क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन, एंड फिर उसके बाद जो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है ऑनलाइन में वो नहीं हो पाता है, और उसके क्लासेस में हमारे वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आते हैं, इंटरेक्शन नहीं होता है,
टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कोई रिलेशन अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाता है। जो फिजिकल में होता है उसमें हमारा बॉन्डिंग रहता है टीचर्स हमें जानते हैं एंड दे नोज आवर पोटेंशियल आवर जिसे हम वो हमें मोटिवेट करते हैं। ई लर्निंग में क्या बोलते हैं हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंट नहीं बन पाता है अच्छे से और जब हम लोगों के बीच होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं और हाँ कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं पूछ पाते हैं इस टाइम पे। ऑफलाइन में हम लोग टीचर से इंटरेक्ट होते हैं तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें अच्छे से लर्निंग हम लोग का हो जाता है अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ जाता है। ऑनलाइन क्लासेस एक तरह से अच्छा तो है लेकिन उसका डीमेरिट्स भी है कि काफ़ी ज़्यादा आई साइट को प्रॉब्लम करता है और कंसंट्रेशन उतना अच्छा से नहीं हो पाता जितना हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में कर सकते हैं। सबके लिए अफोर्डेबल एक कॉस्ट पे ठीक है लेकिन जो विलेज एरियाज़ पे हैं उनको उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स होते हैं और मैम कंप्यूटर बेसिस पे किसी को नॉलेज नहीं है ज़्यादा तो इसीलिए वो दिक्कत होती है मेरे अकॉर्डिंग इतना। क्लासरूम टीचिंग के आपको क्या डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं? क्लासरूम टीचिंग में आपको टाइम बहुत वेस्ट होता है, अगर स्टूडेंट को और भी स्किल्स डेवलप करने हैं तो आने जाने में टाइम वेस्ट, अगर टीचर्स लेट है या स्टूडेंट लेट है तो इसके वजह से टाइम का गड़बड़ी होता है कि मैनेज नहीं कर पाते कुछ और स्किल सीखने के लिए। दूसरा डिसएडवांटेज है कि हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम रहता है इन कंपेयर टू ऑनलाइन कोर्सेज। अगर हम ऑनलाइन कुछ सर्च करें या वेबसाइट पे या क्लासेस देखें लेक्चर्स देखें तो वहाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। मतलब क्लासरूम टीचिंग सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग दूर रहता है बहुत सारे लोग सामने रहता है तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, जो सामने रहता है उसके लिए ठीक है। और बहुत सारा चीज़ क्लासरूम में होता है बहुत लोग की हेजिटेट करता है कि पूछ नहीं पाता है बहुत सारा स्टूडेंट लोग अपना सवाल, तो टीचर्स लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मतलब सबको अच्छा से जाके बताना चाहिए पर्सनली। और हम मेरा कहना है कि हर क्लासरूम में स्मार्ट लर्निंग होना चाहिए जो कि मोस्ट ऑफ द क्लासेस में नहीं है। अगर हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं तो उसके हमें यहाँ आने में टाइम लगता है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं तो एक ये डिसएडवांटेज होता है कि हमें जो टाइम आने में लगता है उस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं उसी को पढ़ने में घर पे। और ई लर्निंग में होता है ये कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है, इवन जब हम टीचर्स से भी कभी कभी पूछते हैं तो हो सकता है कि उन्हें ना पता हो तो हम ई लर्निंग के थ्रू वो चीज़ ही पता कर सकते हैं। ई लर्निंग पे ये हमारा पक्ष ये हो जाता है जैसे कि कुछ भी हमारे पास बुक्स हो गया कंटेंट हो गया हम एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, हमारे पास बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और टीचर्स जैसे कि यूट्यूब गूगल उसमें से हमको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ कॉन्टेंट अवेलेबल हो जाते हैं। बट ऑफलाइन लर्निंग में हमारा ये होता है हमारे टाइम वेस्ट होता है, उस चीज़ को हम यूटिलाइज के बेटरमेंट पे कर सकते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसे उदाहरण देके बता सकती हैं जिसमें आपको लगा हो कि नहीं ऑनलाइन टीचिंग क्लासरूम टीचिंग से ज़्यादा बेटर है या फिर क्लासरूम टीचिंग ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा है? दो ट्रेडिशनल लर्निंग इज़ बेटर बट आई थिंक सो दैट ऑनलाइन लर्निंग हेल्प अस अ लॉट। लाइक वाइज इन कोरोना पीरियड आई वॉज इन 10th एंड एज वी ऑल नो दैट स्कूल्स वेर क्लोज्ड बट वी मैनेज टू स्टडी ऑनलाइन ओनली एंड इवन आई थिंक दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज मोर अफोर्डेबल एज पर द ऑफलाइन बिकॉज इन यूट्यूब वी आर गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन इन फ्री वेर एज द फी ऑफ स्कूल एंड ऑल वी नो दैट इट इज़ टू मच इंक्रीज नाउ अ डेज। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से आई हैव टू टेल
दैट ऑनलाइन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे हम ऐसे इन्वॉल्वमेंट में रहते हैं कि हम अपने घर में कभी भी किसी चीज़ को लेके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन हमारे फ़ोन में जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जब कोई भी नोटिफिकेशन पॉप होता है तो हमारा ध्यान उस पर चला जाता है। और जब अगर हम पढ़ाई की बात करेंगे, क्लासेस की बात करेंगे, तो जब टीचर्स हमें कुछ समझा रहे होते हैं उस टाइम पे नेटवर्क इशू के कारण कभी कभी टीचर्स खुद डिसकनेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कि हम अब अपने डाउट्स कैसे पूछेंगे, दोबारा क्लास कैसे शुरू होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ द मेन इशू। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफलाइन क्लासेस, तो वहाँ क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा फोकस कॉन्सेंट्रेशन से अपने क्लासेस डाउट्स हर कुछ क्लियर कर सकते हैं, इवन क्लासेस मोर कंसेंट्रेटली अटेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर लगता है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। पहले ऐसे ऑनलाइन में ऐसा लगता है कि डिस्टेंस को ऐसे ज़्यादा इजी हो जाता है, मतलब डिस्टेंस लर्निंग ज़्यादा इजी होता है, मतलब घर बैठे बैठे या अपना पर्सनल टाइम निकाल करके स्टडी करने बैठ जाना, मतलब ऐसा टाइम फिक्स करके इजी होता है। बट ऐसा ऑफलाइन क्लास करने में को ज़्यादा ऐसा फील होता है कि टीचर्स के साथ फेस टू फेस ऐसा इंटरेक्ट करने ज़्यादा इजी होता है, ऑन द पॉइंट ऐसा डाउट क्लियर करना ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को। ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ऑफलाइन में मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में आता है, ऑनलाइन में समझ में आता है प्लस कंफर्टेबल भी लगता है, लेकिन जो डाउट और जो चीज़ सामने में बैठ करके हम लोग समझ सकते हैं वो चीज़ जो ऑनलाइन में समझ में मतलब आता है लेकिन उतना भी अच्छे से नहीं आता है। और बच्चे ज़्यादातर सब चीज़ देख करके जितना सीखते हैं उतना मतलब ऑनलाइन तरीके से नहीं सीख सकते हम लोग। तो यहाँ के स्टूडेंट से तो हमने बात कर ली, हमने उनके विचारों को जाना कि वो पारंपरिक कक्षा शिक्षण या फिर ई लर्निंग किसे बेहतर मानते हैं। चलिए अब चलते हैं इस कॉलेज के फैकल्टी से बात करने। तो नॉर्मल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, नॉर्मल क्लासेस में हम लोग डायरेक्ट स्टूडेंट से इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम होता है वो हम लोग तुरंत सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाया, वो उनसे हम क्वेश्चन मांगते थे व्हाट्सएप पर ही और उसका आंसर भी हम लोग व्हाट्सएप पर ही देते थे। तो इस तरह से जो काम जल्दी हो जाना चाहिए था वो तुरंत नहीं भी हो पाता था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कोशिश की और उस दौरान के बच्चे आज पास कर लिए हैं और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब में भी चले गए। ई लर्निंग और द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ लर्निंग, दैट इज द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ लर्निंग, एवरी इनोवेशन और मूव दैट वी टेक इन हैज इट्स इनोवेशंस, हैज इट्स advantages as well as limitations, pros and cons attached to it. This is true even for traditional learning as well as e-learning. We are very optimistic about moving on to a new format of teaching learning process, that is e-learning. But at the same time, we are very skeptical about the fact that e-learning can pose a lot of challenges both for the educators as well as for the students. So we need to move towards new technology because that is the demand of the time, but it should be a gradual step by step process where both can adjust to the new process, because e-learning requires logistics, it requires lot of training both to the students as well as to the teachers to adapt to the new format of टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर दोनों में कौन सा बेटर है ट्रेडिशनल या ऑनलाइन, तो अभी भी मैं कहूँगी कि ट्रेडिशनल टीचिंग ही बेटर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सोशल बीइंग, हमें सोशलाइज करना ज़रूरी है और फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होता है क्लास में, आई टू आई कॉन्टैक्ट होता है बच्चों से, उसमें अलग ही अच्छा लगता है पढ़ाने में और आई थिंक बच्चों को भी पढ़ने में अच्छा लगता है। ऑनलाइन टीचिंग भी अच्छा है बहुत एस्पेक्ट से अगर देखें तो,
अगर जैसे ऑनलाइन टीचिंग कहीं पे भी हो सकता है, कहीं भी बैठकर आप कर सकते हैं, वर्ल्ड पे किसी भी कोने पे है वहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग हो सकता है पॉसिबल, जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग में पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का अपना कुछ एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, लेकिन अगर डे टू डे का बात करें तो मैं भी इन जनरल ट्रेडिशनल टीचिंग ही पसंद करूँगी और सजेस्ट करूँगी कि वही जनरली प्रेफर किया जाए, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा कुछ इमरजेंसी आ जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऑनलाइन हो, वरना ट्रेडिशनल इज़ बेटर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम कैसे पढ़ सकते हैं या हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा लर्निंग प्रोसेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस में यदि हम नहीं आ पाए तो कहीं ना कहीं हम पिछड़ पाएंगे। हम एक डेवलपिंग कंट्री के ओर जा रहे हैं अक्सर हैं और हम डेवलप्ड कंट्री को कहीं ना कहीं हम मात दे रहे हैं, मात देने योग्य हो गए हैं आज के दिन में। तो क्यों नहीं आज से उस समय जब हम ये सोचे कि क्यों नहीं हम इस ई लर्निंग को कंटिन्यू रखें, और हमारा कॉलेज जो है इस अग्रसर जरूर रहा इस काम के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी क्लासरूम हैं सारे जगह में वहाँ प्रोजेक्टर लग चुका है और उसके माध्यम से कहीं कहीं क्लास हुआ करता है। एज अ टीचर डेफिनेटली आई लाइक द ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग। व्हाट आई लाइक अबाउट ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग इज दैट आई हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स, I have direct eye contact with the students. When I talk to them, I get the immediate feedback if they are understanding or not. And I am able to, you know, question them, correct them, whatever. And in online mode, I am basically talking to a mobile phone. And I really am not sure if my students are understanding what I say. I do not have their video. We did not use videos because, because of the data constraints. So we were on audio mode and I really could not get a proper feedback if my students were really understanding it. And I really had no control over the attendance. I couldn't make sure how many students were actually attending my lectures. So definitely for me, offline mode. And I like interacting with my students. I am a teacher because I like being around my students, and in the online mode, I cannot be around my students. Online classes और ऑफलाइन क्लासेस में क्या अभी अंतर आया है? तो ऑनलाइन क्लासेस में ये एक बहुत अच्छी फ़ायदेमंद बात हुई कि जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो सभी एक एक स्टूडेंट्स को हम ऑन स्क्रीन देख सकते थे, और प्लस जो भी उनका प्रश्न होता था व्यक्तिगत रूप से वो हमसे पूछ सकते थे। वो क्लासरूम में जिस तरह से एक पूरी समूह रहती है, भीड़ रहती है, तो वो नहीं कर पाते थे, लेकिन इंट्रैक्शन उनसे होता था। ऑनलाइन होने के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ पाए हैं और बहुत सारी तकनीकी जानकारियां हमें प्राप्त हो पाई हैं, और जिस तरह से PPT वगैरह बनाकर पढ़ाना ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी, हमारे समय में इस तरह से नहीं हो पाता था, लेकिन वर्तमान समय में आज की आवश्यकता है और इसकी वजह से बहुत कुछ हम लोगों ने भी सीखा है, बच्चों ने भी सीखा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ई लर्निंग और पारंपरिक कक्षा शिक्षण दोनों के ही अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। जहां पारंपरिक कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी और टीचर्स आमने सामने बैठकर बातचीत कर सकते हैं, वहीं ई लर्निंग फ्लेक्सिबल है, जिसे आप अपने तरीके से मोड़ सकते हैं। जब दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो अंततः यह व्यक्ति के प्राथमिकताओं और ज़रूरतों पर निर्भर करता है। आज के डिजिटल युग में इन दोनों का मिश्रण एक बहुत ही अच्छा शैक्षिक अनुभव शिक्षार्थियों को प्रदान कर सकता है। तो इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे एक अगले शिक्षण संस्थान में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जोहार।